गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भवानी ईटिंग शो। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज भी इधर मौसम बहुत ही गर्मी है। तो दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है। तो दोस्तों, आज एक फिर से छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। और आज मैं खाने में लाई हूँ राइस, और ये बेल का शरबत है, और ये है तिल का सब्जी जो आप देख सकते हो। इसमें है टमाटर, और इसमें डाला गया है बैंगन और भात करना, और इसमें तिल को पीस के बनाया गया, जिसको हम लोग सीसम शीट्स बोलते हैं। तो आप लोग कभी खाए हो क्या दोस्तों, जरूर कमेंट में बताना। और चलिए दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं पहले बेल का शरबत टेस्ट करके देख लेती हूँ। दोस्तों, बहुत ही टेस्टी है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे एक टमाटर है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये रहा टमाटर, और ये फुल बॉयल हो चुका है। दोस्तों, इसमें मैंने नमक मिलाऊंगी, तो ये भी बहुत काफ़ी टेस्टी होता है। ये एक प्रकार का टमाटर चटनी हो जाता है बॉयल। तो आप देख सकते हो टमाटर चटनी बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं टमाटर चटनी के साथ खाऊंगी। दोस्तों, अब मैं तिल का सब्जी खाऊंगी। अब देख सकते हो ये काला काला लगता है, यहाँ पे काला तिल डाला जाए। दोस्तों, बहुत ही टेस्टी है। इसमें बात ये बात करना है, ये बैंगन है, दोस्तों एक बार खाओगे ना अंगूठी चाट के रह जाओगे। दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं डाली, कल बहुत बिजी हो गई थी। तो इसीलिए सोचा मैंने क्यों ना आज वीडियो बना लेती हूँ। दोस्तों,
दोस्तों खाना हमें लिमिट में ही खाना चाहिए दोस्तों। दोस्तों गर्मा गर्म तीन का सब्जी और भात। तो दोस्तों अब बाढ़िए बेल का शरबत। तो दोस्तों आप खाना खाने के बाद आप फ्रूट जूस ले सकते हो, वो बहुत ही हेल्दी डाइट है। तो दोस्तों आज गर्मी भी है तो घर में बेल भी था, तो हम सोचा क्यों ना बेल का शरबत बना लें। और लेट्स चलिए तो दोस्तों ये है बेल का शरबत कंप्लीट। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर देना, अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर देना। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।